हाँ क्या बताएंगे आप? बोरान का एटॉमिक नंबर कितना हो सकता है? सबसे आसान क्वेश्चन, बोरान का एटॉमिक नंबर सात। बोरान ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक। सुनो और देखो, बोरान ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम कुछ भी पूछा बताएं, सबका आंसर है बोरान कंपाउंड है, एलिमेंट है। सॉरी पढ़ा नहीं मैंने इसको, पढ़ोगे बता दिया। ओके आगे लेक्चर चलो। तुम्हारा क्या भैया, 90 का बैग ला दिया? केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ उसके किन्हीं 5 चैप्टर के नाम बता, ठीक है? 5 चैप्टर का नाम क्या? चुप रहो, सुन लो। आज मैं हीरे से काटूंगा तुम लोगों के साथ, तब बैंड निकलेंगे आगे। 5 चैप्टर के मिस्ट्री का नाम, कोई 5 चैप्टर का नाम लो, 1 2 कहीं से लो, ऑर्गेनिक नाम कोई भी चैप्टर, 5 चैप्टर के मिस्ट्री नाम। तो अगर वह नाम अल्कोहल यार 90 अल्कोहल पूरा चैप्टर बोलो, अल्कोहल एक चैप्टर नहीं। अल्कोहल देखो केमिस्ट्री के 5 चैप्टर, 2 चैप्टर का नहीं बोल पा रहे यार, क्या बोल रहा हूँ पूछूंगा, जाने दो। नहीं मैं नहीं पढ़ना, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, आपको बताएंगे। आया नहीं तो खड़े हो जाओ, आया सब थे, अंदर नहीं आए थे बस। नहीं ये नहीं आया। तुम किसी 5 चैप्टर का नाम बता दो, किसी 5 चैप्टर का नाम, कोई 5 चैप्टर तुम्हें केमिस्ट्री याद आ रहा हूँ कि कितने किस साल से पढ़ाया गया हो, एक आप मेरा चैप्टर हालत देख रहे हो तुम लोग ना, क्वेश्चन तो बोल की बात है, चैप्टर नहीं पता, केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर लोग नहीं बोल पा रहे। आप खुद बताओ कैसे काम होगा, क्वेश्चन मैं पूछा ही नहीं कुछ, ठीक है बस हो गया, इतने कर सकते हो बस, दोस्त दिखा सकते हो, हाँ खुद की नाव डूब रही है, हाँ उसी में उसको बैठा हो। चलो बोरेक्स को किस ओर से बनाया जाता है? एल्यूमिनियम। राजा मार गया हो क्या? बॉक्साइड से बोरेक्स को बनाया जाता है, बॉक्साइड या कोलेमनाइट? कोलेमनाइट। फॉर्मूला बोल। कोलेमनाइट का फॉर्मूला हम दोनों को हेल्प कर दिए,
टेट्राबोरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो, HBO आज सुबह स्ट्रक्चर आया था बॉब लिंकेज का H2B4O7, ठीक है, टेट्राबोरिक एसिड ऐसे याद कर रहे तुम लोग यार। बोरेक्स में कितने बीओबी लिंकेज होते हैं? बीओबी लिंकेज 14। अरे पागल, सच में भीड़ मार के आया है तुमने, आज कोई नशा सस्ता वाला किया है पक्का। यस, पांच होते हैं बीओबी लिंकेज, पांच, हर दो बोरान के बीच में और एक अल्टरनेट बोरान पे था। कितने बीओएच बॉन्ड होते हैं? चार ही थे ना, चारों बोरान पे लगे थे OH, OH, OH। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला बोलो, N6 फैमिली, कार्बन फैमिली, या भी अल्कोहल। इसमें बुरा क्या है अल्कोहल? और क्या पाने के बाद क्या पूछे बेटा, कौन सा चैप्टर आता है आपको? केमिस्ट्री कोई चैप्टर जो तुमको थोड़ा बहुत आता होगा इस पूछे? अरे तुम्हारी बात करो ठीक है, उनसे सवाल स्टडी पूछो। टेंशन मत, कौन सा चैप्टर अभी देखो मैं बोर्ड में नहीं सकल तुम्हें लिखा है तुम्हें याद है लिखा था कोई चैप्टर जो तुम लिखा हो बताओ, साल भर कुछ तो लिखा होगा। हाँ, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, कैसे एल्डिहाइड और कीटोन? पता का फॉर्मूला क्या होता है? पिक्रिक एसिड किसका नाम है, कैसे बनता है पिक्रिक एसिड? नहीं पता, कोई बात। चलो बाबू क्वेश्चन को अपने ऊपर ले लो भैया, बटन खोलो बैठे थे। पिक्रिक एसिड क्या होता है? कोई बात नहीं, कोई चैप्टर केमिस्ट्री का तुमको आता हो जो तुम बोलोगे, तुम्हारी मर्जी का, बस तुम चैप्टर बोलो बस। इसी अल्कोहल फैमिली, गुड, बोरान फैमिली ना, ठीक है। चलिए बोरान फैमिली में आप बताइए बोरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग करने का बोरिक एसिड की स्ट्रॉन्ग बिंडिंग से क्या सकता है? मैंने पढ़ाया है 100 पे हिट किया, 150 पे हिट किया था, फिर स्ट्रॉन्ग हिट किया B2O3 बेटा, B2O3 100 पे हिट किया था तो HBO2 बेटा बोरिक एसिड बना था, 150 पे हिट किया था तो टेट्रा बोरिक एसिड बना था, और स्ट्रॉन्ग हिट किया था B2O3 बना था। ये बिल्कुल याद होना चाहिए यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। बैठ जाओ परेशान मत हो, टेंशन में आगे जाओ। चलो आपसे क्या पूछे, बोरान का, बोरान का ठीक है। डाइबोरेन में कितने बॉन्ड 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? डाइबोरेन हाउ मेनी बॉन्ड्स आर
थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यस वेरी गुड। और कितने टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं? एक, थ्री, चार होते, चारों कॉर्नर वाले जो थे। डाइबोरेन को जब हम एक्सेस ऑफ अमोनिया में हीट करते हैं लो टेम्परेचर पे तो क्या बनता है? P2S6.2NH3। क्या खुद बोला था? पापा मिलके गए, इनके पापा आए थे, मैं कहा तुम्हें कौन सा प्रॉब्लम है, बोला केमिस्ट्री। मैं बेटे पापा के सामने पीजी करवा दिया, कौन सा तुमको ज्यादा प्रॉब्लम है, सब केमिस्ट्री। बोल बेटा कोई चैप्टर कुछ पढ़ा है केमिस्ट्री में? जाने दो बेटा, बहुत अच्छा सीधा बच्चा है, पढ़ता नहीं है बस। क्या बताओ, नोट्स बहुत मंगाते हो, ठीक है? BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, व्हिच वन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड अमंग दीस फोर? BI3। रीजन बता सकते हैं क्यों? मैंने रीजन भी आज सुबह बताया। कोई बात नहीं, चलो जाओ। आप क्या पढ़े बेटा? पता नहीं था इसलिए कुछ तो पढ़ा, केमिस्ट्री कुछ तो आता होगा साल में से। हाँ, थर्मो आता है बेटा। वेरी गुड। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सिस्टम में प्रेजेंट मैटर पे डिपेंड नहीं करती। फिर इंटेंसिटी क्या होती है? पहले तुम डिसाइड कर लो क्या सही है। अच्छा उल्टा बोल दिया। किसी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर तो मुझे नहीं लगता एक्सटेंसिव में आना चाहिए। वॉल्यूम एंथैल्पी क्या होती है? What is second law of thermodynamics? Yes, spontaneous nature का जो भी spontaneous बोलते हैं entropy change लगातार increase होता है। क्या बताओगे बेटा? चलो इसी पर तो बता दिया तुमने, तुमको बताना था टॉप लोडर चलने पर ट्रेंड बताना है ना, ठीक है? अच्छा ठीक है। Why the size of gallium is less than aluminium? D bond खाली रहता है, भरा रहता है। Yes, due to poor shielding of D10 electrons. अब सही है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी
सारे अल्फाबेट की किस अल्फाबेट से मैच करती है, आयसन एनर्जी का ट्रेंड किस अल्फाबेट से मैच करता है? छब्बीस ही अल्फाबेट है बताओ उसमें से। हाँ अरे जैसा कुछ पढ़ाया था क्या मैंने, ठीक है ना डब्ल्यू वही। चलो बैठ जाओ, सुबह नहीं आए थे ना, शाम को तो आए हो, अभी तो बड़े हो जाओ, आए तो हो ना, उपस्थित हो ना यहाँ पे। बताइए क्या पूछे आपसे, कुछ ना पूछे तो अच्छा रहे ना। कुछ आता है बेटा आपको केमिस्ट्री कोई चैप्टर जो थोड़ा बहुत नॉलेज हो, इंट्रोडक्शन वगैरह उसमें? नहीं तुम खड़े हो, क्या बता कर मेरे को ऐसे सिर लोग कहाँ थे, वो कब से वेट कर रहा था, कोई भी चैप्टर ठीक है इसको बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, पहले कुरान से कहा चैप्टर पूछता हूँ, बहुत अच्छा। चलो BF3 की हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। अच्छा क्वेश्चन दिया हूं, सॉरी 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 नहीं ये तो कुछ बनता ही नहीं। याद करो BCl3 की जब हाइड्रोलिसिस होती थी तो क्या बनता था, बोरिक एसिड प्लस HX, लेकिन उसमें मैं बोला था यहाँ क्लोरीन नहीं होता, BF3 होता है तो H3BO3 बनता है, पर साथ में HBF4 ठीक है, फ्लोरो बोरिक एसिड बनता था HBF4 ठीक है। एक्सेप्शन ध्यान रखो भाई, अमोनिया का रिएक्शन डाइबोरेन से 1:2 के रेशियो में होता है तो क्या बनता है? एक्सेस ऑफ अमोनिया से हाई टेम्परेचर पे क्या बनाता है डाइबोरेन? नहीं पता, तीन ही रिएक्शन तो पढ़ाया था सुबह, एक्सेस में एक लो टेम्परेचर B2SO2NH3, हाई टेम्परेचर पे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है Bn, और 1:2 में इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है। मॉर्निंग में? हाँ मॉर्निंग में। अच्छा मॉर्निंग में नहीं थे तो ओके। और कौन सा कुछ ही पूछू मैं सेक्टर से, सिर्फ बुरान से ना तुम बोलो ना कहीं से पूछो पूरी केमिस्ट्री में। चलो why phenol do not give sodium bicarbonate test? Phenol sodium bicarbonate test क्यों नहीं देता? बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैं तुमसे, ठीक है। Why carboxylic acid is stronger acid than phenol? कोई भी आंसर दे सकता है मेरे क्वेश्चन का, चिगरा है तो बोलो ठीक है। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन तो एच टू फिनॉल में भी जुड़ा है। बोलो भाई ये तो सही पूछ रहा ना क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्गर ही होता है ना, ये भी तो नहीं होता। अच्छा इतना जानते बहुत बढ़िया, क्यों होता है रीजन बता सकते हो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से एसिडिक क्यों होता है? ये बता व्हाट इज रिमेटामिन रिएक्शन? हां क्या बात कर रहा है, तुम्हारे बोर्ड्स के स्कोप में है यार, रिमेटामिन रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन। हेलो व्हाट इज रिमेटामिन रिएक्शन?
नहीं पता एल्डोर और कैरिजोर में कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है? एल्डोर और कैरिजोर में कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है? हम अंदर कुछ पूछ रहे हैं, बहुत ऊपर ऊपर बड़ा बेसिक टॉपिक से पूछ रहे हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स? तुम लोग यार डॉक्टर इंजीनियर बनने से बहुत दूर हो, बहुत ज्यादा दूर, दूर दूर से तुम लोग का कोई आसार नहीं। इतने बेसिक बेसिक चीजें बोले, रिमेटामिन रिएक्शन का तुमको प्रोडक्ट नहीं पता। प्रोडक्ट जानते हो क्या रिमेटामिन रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसिलिकॉइड का नाम नहीं सुना? ऑक्टोहाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड। मैं तो अंदर क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ कि रिमेटामिन रिएक्शन का अटैकर कौन सा होता है, जो क्वेश्चन हर बार नीट और जेईई में पूछता है। अटैकर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है रिमेटामिन रिएक्शन, कौन अटैक करता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ रिमेटामिन रिएक्शन? बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नेम रिएक्शन हमेशा आपके जुबान पे होनी चाहिए, कोई भी नेम रिएक्शन फटाक से आंसर आना चाहिए। रिमेटामिन व्हेन फिनोल रिएक्ट्स क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस पेज आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी विल गेट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज कोलबेज रिएक्शन? व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH वी ऑब्टेन सैलिसिलिक एसिड। ठीक है आपका, तुरंत फटाफट जितनी भी नेम रिएक्शन हो बिल्कुल फिंगर टिप से। फिंगरस्टाइन रिएक्शन क्या है? एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड और एसीटोन से हाइड्रोएल्केन बनता है, SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। बिल्कुल याद होना चाहिए, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकेस्टाइन रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल, कैनिजारो, और जितने है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, कार्बाइलामीन रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल नेम रिएक्शन बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा आपको। चलो कोई नहीं, लेकिन बेटा आप लोग ढंग से बताऊँ, आपको पढ़ाई नहीं कर, मैं बहुत कम दूर, मतलब सेलेक्शन इलेक्शन से बहुत दूर। हम लोगों ने हमको लग रहा है बहुत ज्यादा पढ़ दिया, बहुत डोज दे दिया। ठीक है, या तुम सह नहीं पाए किसी बात, क्योंकि तुम तैयार नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं हो रही है। क्योंकि याद, अब देखो हमको भी क्यों याद रहता है बेटा, कि हम पढ़ाते रहते हैं ना, तो रिवीजन से ही आता, तुम भी रिवीजन करोगे तुमको भी याद होगा, पर तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम सिलेबस को समेट नहीं पा रहे हो। ठीक है, कि हम पढ़े कैसे, क्योंकि बहुत डोज हैवी हो चुका है, ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है, पढ़ा हमने कुछ नहीं है, अब कैसे करें, पिछला कैसे कवर करें, वो सब तुमको दिक्कत आ रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि पढ़ाई पढ़ते रहते दिक्कत ना, और छोटी छोटी बातें बेटा आपको नहीं याद है ना, मतलब जो सिलेक्शन वाले बंदे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, वो तुम लोग में से कोई नहीं। बाकी तुम बाद में क्या कर लो ये बात अलग है, हमको नहीं पता, बट अभी का जो तुम्हारे हालात दिख रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल है। और सिलेक्शन ऐसे थोड़ी होता है, तुम चाहोगे कि सर एग्जाम बोर्ड के बाद एक महीना पढ़ लेंगे हमको सब याद हो जाएगा, एक बार में थोड़ी याद होता है, जाके वहां मिस्टेक करोगे 100%, बहुत कमजोर है यार, सच्ची बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ा, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ा है तुम लोग को यार, और तुम लोग उससे जो कुछ नहीं आता, प्रॉब्लम क्या है, आने का नहीं है प्रॉब्लम, है बेटा तुम लोग पढ़ते ही नहीं। पढ़ोगे तो डेफिनेटली याद होगा यार, ऐसा थोड़ी है, इतना तुम लोग का दिमाग गोबर थोड़ी है कि तुमको समझ ही नहीं आया कुछ, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो घर पे, इसीलिए प्रॉब्लम है यार। हम लोग क्या नीट जेई NCERT क्या क्या पढ़ा गए तुमको, तुमको रत्ती भर कुछ नहीं याद है, कैसे काम चलेगा बताओ। अभी इंट्रेंस भी सब खत्म हो जाएगा, और इंट्रेंस के बेसिस पे तो खत्म कर रहा हूँ, सब हो ही गया है तुम्हारा, लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है नहीं तुम्हारा, बहुत बुरा हाल है बेटा, पढ़ना स्टार्ट करो, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अभी जो तुम्हारे हालात है ना, बोर्ड्स में भी बेटा तुम लोग गड़बड़ हो जाओगे। हम तो इंट्रेंस की बात तो जाने दो, इंट्रेंस को हटाओ, तुम बोर्ड लेवल पे भी तैयार नहीं, सीधी सी बात ही है। इंट्रेंस तो दूर दूर की बात होगी, वो तुम्हारा कोसों दूर का वास्ता है, उसको जाने दो। ठीक है, पर तुम बोर्ड लेवल पे भी हमको लगता है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने वाले। केमिस्ट्री बेटा ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें सब कुछ समझने से भी काम नहीं चलता, बहुत कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं, बहुत कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए केमिस्ट्री में नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर केवल फंडामेंटल सब्जेक्ट होता, सारा कंसेप्ट ही होता, शायद एक बार तुम कर पाते। कुछ चीजें कंसेप्ट है, कुछ चीजें रट्टा मारनी है, सबका समावेश है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसीलिए आपका नंबर बेटा कम हो जाता है। केमिस्ट्री तो उसी को आएगी जो बार 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 रिवाइज करेगा,
हम लोग को भी यार रिवाइज करना पड़ता, तुम कभी भी देखते हो, तुम आते हो, अगर मैं बैठा रहता हूँ तो मेरा नोट्स खुला रहता होगा, मैं पढ़ता रहता, ऐसे फर्जी आप नहीं पाओगे मुझे बैठे हुआ, ठीक है। तो क्यों हमको भी रिवाइज करना रहे, जितना मैं 5 मिनट बैठा हूँ 5 मिनट चलो एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, बात समझना। और हम लोग को 5 से 10 मिनट ही लगता है पूरा चैप्टर रिवाइज, क्या है एक बार देख लिया तो स्कैन हो जाता है, क्योंकि 8 साल की काम आपको तो पता नहीं कितनी बार रिविजन करना है, और आपके पास समय तो बहुत है नहीं। इस बार बोर्ड आपका अगर सस्पेंड रहा तो बेटा फरवरी मार्च में ही होगा, समय से होगा, बात समझना। कैसे करोगे फेल होने के मूड में हो क्या तुम लोग, और बोर्ड में फेल हो, चलो इंट्रेंस इंट्रेंस की बात दूर जाने दो यार, इतना तो पढ़ लो कि बोर्ड्स का तो तैयार रहे, बराबर है कि नहीं, बोर्ड्स में तो अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि मान लो बेटा तुम अच्छा हो, तुम्हारा इंट्रेंस अच्छा है, पर तुम बोर्ड्स में इतना कम परसेंटेज पाए कि तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से नीचे हो गए फॉर्म भरने के, तब तो लास्ट नीट और जेईई सोचते हो तुम फॉर्म भरने के लायक ही नहीं हो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि साल भर नीट नीट नीट, लास्ट में जब बोर्ड हुआ पता चला सब में 35-35-35 नंबर पाए, क्या तुम नीट का फॉर्म कैसे भरोगे। अरे यहाँ यही बच्चे हुआ बता रहा, एक लड़की दुबे करके थी आगे बैठती थी, सब में 34-34-34 फिजिक्स केमिस्ट्री, ऊपर से जिस दिन रिजल्ट आया फोन करके सर मुझे नीट देना है। अरे पागल, ऐसे लोग अगर डॉक्टर बनने लगे ना, और तुम अगर नीट वाली आइटम होती इतना नंबर थोड़ी मिलता, इसी बात है ना। हाँ IIT और नीट के आइटम होते हैं भाई, वो समझ में आ जाता है कि तुम्हारे अंदर कितना कैलिबर है, तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो, ठीक है। और इंजीनियर भी तुम लोग बनोगे बहुत गंदे वाले, ठीक है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में जाएंगे नहीं, बहुत बुरा हाल है। ऐसे थोड़ी तुम लोग बड़े फिजिक्स और मैथ बड़ी अच्छी होगी तुम्हारी, उसमें भी गोबर ही फैला हो, सीधी सी बात है ना। हमको नहीं लगा तुम लोग फिजिक्स स्ट्रांग होगी, वो भी फिजिक्स तो ऐसी वीक होती है, ठीक है। मैथ भगवान जाने कुछ लोग की बड़ी अच्छी होती है, बोर्ड से पाए जाते हैं नंबर, पर एंट्रेंस में तुमसे जेईई के 25 क्वेश्चन में तुम 4 क्वेश्चन मैथ में निकाल पाओ, मैं लिख के दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन जेईई के जब तुम एग्जाम में बैठोगे। ड्रैगन है ड्रैगन मैथ, ये जान जाओ, तुमको लील जाएगा पता नहीं चलेगा, खा जाएगा तुम। 4 क्वेश्चन निकाल के आ जाओ जेईई का, क्या मैथ के 4 क्वेश्चन निकाल दो, बड़ी बहुत बड़ी बात, इसका मतलब पढ़े हो कायदे से, इतना पढ़े हो 4 क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया जी मैथ का, ठीक है। मैथ के तो क्वेश्चन तुमको नहीं समझ पल्ले नहीं पढ़े अभी, और नहीं है तो कोई जो सीनियर वगैरह उनसे जाकर पूछो भैया कितना क्वेश्चन किए थे मैथ, ठीक है, खुद ही बताएंगे, अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। तो थोड़ा सा बेटा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो, नहीं तो कम से कम बोर्ड लेवल का तो पढ़ो भाई, इंट्रेंस कौन सा संभाला जा रहा है, कम से कम इतना पढ़ो कि बोर्ड्स पे तो अच्छा नंबर पा जाओ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और सब कुछ पढ़ने से ही होगा, बाकी और कुछ है नहीं। आप सोचोगे कि चलो ठीक है ऐसे तो जैसे अभी कर रहे हो बेटा, वैसे 2 महीने समय भी इतने समय लगता है क्या, अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितना 3 महीने तुम क्या कर लोगे। अगर तुम अभी से हिसाब लगाना स्टार्ट करोगे ना, जितने चैप्टर है तुम्हारे पास, जितने सब्जेक्ट तुम्हारे पास, जरा उनके हिसाब तुम घंटे जोड़ लेना, क्या तुम्हारे पास उतने घंटे अवेलेबल है क्या जितना तुम पढ़ते हो। मुझे बताना सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इतने चैप्टर हो गए, ऑलमोस्ट 100 चैप्टर के आसपास तीनों में पहुंच रहे हैं, ठीक है। और हम तो पढ़ते हैं घर पे जाके 1 घंटा, ठीक है, हमको 100 दिन चाहिए, और 1 घंटे में तुम्हारा क्या 1 चैप्टर हो जाएगा था? तुम्हारे पास समय ही नहीं, बट तुम ऐसा लग रहा है, ऐसा तुम लोग बिहेव करते ना, तुम्हारे पास भरपूर समय है, लास्ट में हम सब कर लेंगे। ऐसा नहीं बेटा पास हो जाओगे, बोर्ड्स में बहुत कम लोग होते हैं फेल होते हैं, बट उस तरह पास होने का मतलब क्या है 40 नंबर 42 नंबर पाना एक सब्जेक्ट में 100 में, और जिस तरह तुम लोग पढ़ रहे हो यही हाल होता है, 70-70 नंबर बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल में अगर अच्छा पा गए 30-12 नंबर खींच के जाओ, पास तो किसी आप ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में नहीं होते बच्चे, क्योंकि किसी भी कॉलेज में 25 से लेकर 30 तक सबको प्रैक्टिकल में दिया जाता है, ठीक है, और ज्यादा आपको 20 नंबर की मेहनत करनी होती है। तो तुम सिर्फ पास होने के लिए इतना 2 साल अपना खराब किए क्या, 30 भर के यहाँ के बैठ के इतना कंटेंट लेके गए हो, उसका कोई मतलब निकला। तो बेटा पढ़ना जरा स्टार्ट करो, नहीं तो तुम लोग बोर्ड में फेल हो जाएंगे। तो तुम्हारा हालत है ना बोर्ड में, एक बार ठीक है इंटरेस्ट हो तो चलो तुम ऑब्जेक्टिव कर लोगे,
बट बोर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रेजेंट करना है आपको आंसर को, वो सब बहुत मायने रखता है। जब आप लिख ही नहीं पाओगे तो फिर कैसे नंबर मिलेगा? अभी आप कॉलेज में एग्जाम देते हो, कितना नंबर पाते हो? बहुत अच्छा नंबर आता है। चाहे पहली बात ऑनलाइन तो छोड़, ऑनलाइन तुमसे अच्छा नंबर कोई पा ही नहीं सकता, ठीक है? ऑनलाइन में तुम लोग टॉप करते हो, भरपूर छापते हो, ऑफलाइन में देखना कितना तुम नंबर पाते हो, समझा ना? चलो जाने दो, बट अपन ज्यादा भाषण नहीं देंगे, आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो, मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ बोरान और कार्बन कांटे का। अपना काम है पढ़ाई खत्म करना, बाकी तुम लोग पढ़ो। चलो ध्यान दो, पढ़ो मत, बस ठंडी लग रही है, इसी दिमाग रहता है ना, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, बस वही करो। चलो देखो स्टार्ट करते हैं बोरान फैमिली के क्वेश्चंस। देखो पहला मैं बोल रहा नीट 2018 में आया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन 13 एलिमेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ग्रुप 13, ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन दिया बोरान से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा थैलियम। दूसरा बोरान से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थैलियम। सी बोरान से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा एल्युमिनियम, फिर आपका गैलियम, फिर इंडियम, फिर डी ऑप्शन दिया बोरान, बोरान से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा एल्युमिनियम,
फिर इंडिया, फिर थाईलैंड। नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, काम भी करेंगे, ठीक है। 2018 नीट में आया। अगला देखो, बोल रहा है कि AlF3 is soluble in HF। आज सुबह डिस्कशन किया था, क्वेश्चन जरा सुनो। AlF3 is soluble in HF only in presence of Kr, it is due to the formation of, याद करो आज सुबह बात किया था मैंने कि AlF3 HF के साथ रिएक्शन नहीं करता था, बट वही AlF3 NaF या Kf के साथ रिएक्शन करता था, बराबर ना। तो उसका रीजन पूछ रहा है कि AlF3, आज सुबह ही बताया मैंने आपको, AlF3 बोले, क्वेश्चन सुन लो, AlF3 is soluble in HF, क्वेश्चन क्या है दूसरा, AlF3 बहुत ध्यान सुनो, AlF3 is soluble in HF only in presence of Kf, और हमने क्या लिखा है नोट्स में, NaF, यार सोडियम पोटेशियम सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, थोड़ा तो चेंज आएगा ना यार, ठीक है, Kf, ठीक है। It is due to formation of पहला ऑप्शन K3AlF3H3 ये बनता है, K3AlF6 ये बनता है, AlF3 ये बनता है, या KAlF3H ये बनता है, आप बताइए किस कारण सॉल्व होता है। सुबह ही पढ़ाया, सी एल एच थ्री दिया जाता है, एच थ्री साथ में दिया जाता है, एल एच थ्री दिया और के थ्री एल एफ सिक्स, क्या बोल रहे हैं, सी बी, ऑप्शन चेक करें, बी ही होगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर टू का बी, बराबर ना। हमने आज सुबह ही बताया इसको, हमने Na3AlF6 बनाया था, Na3AlF6 K3AlF6, क्योंकि याद करो Kf आयनिक कंपाउंड था, वो आयंस में टूटा था इसलिए रिएक्शन हो गई, बात समझ रहे ना, सुबह ही डिस्कस किया था। तीसरा देखिए, बोला टेस्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, 2015-2009 दो बार आया था नीट, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। ऑप्शन दिया है पहला एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम ज्यादा थैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम ज्यादा गैलियम, गैलियम ज्यादा एल्यूमिनियम, तीसरा इंडियम से ज्यादा थैलियम, थैलियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम ज्यादा एल्यूमिनियम, चौथा गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम ज्यादा एल्यूमिनियम, फिर थैलियम से, बताओ क्वेश्चन निकल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से आ रहा है। क्या बोला था, टॉप 2 रन चलने पर +3 की घटती है, +1 की बढ़ती है, टॉप रन चले